होकर इनका जो स्थापन भी किया है वह रिपोर्ट दूंगा। इन्होंने बहुत शोर मचाया था कि शिक्षा का बजट इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 5 सालों में बजट का 46% पैसा उपयोगी नहीं हुआ। केवल यही तक नहीं, केजरीवाल के सरकार में पिछले 4 सालों में 1,32,000 बच्चे स्कूल से बाहर निकले, जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी, आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें स्कूलों में दाखिला दुगना हुआ था, डबल किए गए थे, शिक्षा को पूरा बढ़ावा दिया गया था उनके समय में। लेकिन यह आज जो कहते हैं नए स्कूल बनाए हैं, यह नए स्कूल नहीं बने हैं, केवल कुछ एक स्कूलों में कमरे बनाए गए हैं और इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं किया गया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो परसेंटेज पास परसेंटेज 99.45% था। आप सरकार के कार्यकाल में यह लुढ़ककर 68.9% पहुंच गया, मतलब सोचिए एक तरफ 99.45 और दूसरी तरफ 68.9, यानी पूरा 31% नीचे हुआ है। जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे से आते हैं, उनमें छात्रों की भर्ती 20% घटी है। हमने कहा 1,32,000 बच्चे निकले हैं 4 सालों में, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन छात्रों का है जो 20% घटी है, यानी 74 स्कूलों में भर्ती नहीं हुए। और यह हमारे पास रिकॉर्ड है, तभी हम इस विषय को आपके सामने रख रहे हैं। तो यह शिक्षा की जो ढिंढोरा पीटते हैं, यह इनकी पोल की खोल है, यह इनका हमने खोला है। और इस तरीके से आपको पता है कि कैसे शिक्षा में के नाम पर इन्होंने केवल पैसा लूटा है और उसके अलावा लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ दूसरा नहीं किया। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदेश।